हेलो दोस्तों, वी आर क्वेर में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से मैं एक नई समलैंगिक स्टोरी लेकर के आया हूँ। अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मुझसे बात करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर आपको मेरे इंस्टा आईडी, ईमेल आईडी भी मिल जाएगी। और हाँ, हमारी स्टोरीज अपने गे फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करें, क्योंकि हमारी जो स्टोरीज होती है वो काफ़ी मोटिवेशनल होती है। हर एक स्टोरी में कोई ना कोई मैसेज होता है। आज की स्टोरी का नाम है वीडियो कॉल। कहानी कानपुर में रहने वाले प्रियांश की है, जिसे घर वाले प्यार से प्रिंस और प्रिंसू कहते हैं। प्रिंस अभी स्कूल में है। घर में दो छोटी सिस्टर्स, दादी और मम्मी पापा, बस इतना सा परिवार है। प्रिंस की हर ख्वाहिश पूरी होती आई है। जो चाहता वो चीज मिल जाती। अब अकेला बेटा जो था तो इतना लाडला होना तो बनता ही है। शाम को स्कूल से लौटा और प्रिंस ने पापा से बर्थडे पर खुद का पर्सनल मोबाइल मांगा। पापा ने मना किया और समझाया कि कॉलेज जाओगे तो पर्सनल फोन मिल जाएगा, अभी दादी के या फिर मम्मा के फोन से काम चला लो। पर प्रिंस नहीं माना। उसने जिद की और मोबाइल चाहिए ही। इस बात पर वो अड़ा रहा। उसने दादी से भी बात की। दादी ने भी उसको बहुत समझाया, पर फिर भी प्रिंस नहीं माना, जबकि दादी का बहुत चाहता था वो। स्कूल के बाद प्रिंस ट्यूशन जाता था और अपने टीचर को भी पसंद करता था। प्रिंस उन दिनों जवानी की दहलीज पर था और कमरे में जब अकेला होता, लैपटॉप ऑन करके वाईफाई कनेक्शन का यूज करके अक्सर वो अपने आइडेंटिटी ओरिएंटेशन से रिलेटेड चीजें सर्च करता। पर उससे पहले वो वाली मूवीज देखता और फिर मैथुन किया करता। उस वक्त स्कूल के किसी दोस्त ने उसे एक वेबसाइट बताई थी और तब उन मूवीज में प्रिंस जवान लड़कों को देखा करता। नीचे लड़की की चीख चिल्लाहट से प्रिंस को कोई मतलब ही नहीं था। वो तो ऊपर खड़े मर्द पर फिदा रहता। और तब एक दिन प्रिंस को सजेशन में समलैंगिक वीडियो मिली, जिसमें दो लड़के एक दूसरे के काफी करीब आ गए और फिर उन दोनों के बीच धीरे धीरे हर वो चीज हुई जो कि दो लड़कों, दो समलैंगिक लोगों के बीच होता है। उस वीडियो को बहुत ध्यान से देखा प्रिंस ने, और इस वीडियो को देखते वक्त गूज बम्स आ गए थे, क्योंकि जो फीलिंग दो लड़कों वाली वीडियो में आई, वो आज तक स्ट्रेट वाले किसी वीडियो में भी प्रिंस को नहीं आई थी। और एक वजह ये भी थी कि प्रिंस को अपना खुद का मोबाइल चाहिए था, ताकि जब वो चाहे अपने हिसाब से वीडियोस को सर्च कर पाए। अब लैपटॉप से एफबी पर प्रिंस ने फेक आईडी बनाई थी और उस आईडी में कुछ लड़कों की फोटोज लगाई जो बॉडी बिल्डर्स और शर्टलेस थे, और उसने एक गौतम नाम के लड़के से चैटिंग करनी शुरू की। लड़के ने प्रिंस को वही वाली वीडियो भेजी, समलैंगिक वाले, जिसमें दो लड़के थे बिना कपड़ों के। तब प्रिंस को उस लड़के पे इंटरेस्ट आया। प्रिंस को लगा कि वो अकेला नहीं बल्कि कोई तो है जो उसके जैसा है, और लड़कों वाली वीडियोस देख करके उसे फीलिंग आती है, उसे भी उनका संबंध बनाना देखकर अच्छा लगता है। अब गौतम ने हाय हेलो से शुरुआत की, तब प्रिंस ने भी जवाब दिया और गौतम ने प्रिंस से पूछा टॉप हो या बॉटम, एज, लाइक्स, सब कुछ पूछ लिया। प्रिंस को तब कुछ भी नहीं पता था। अपनी उम्र के अलावा उसे किसी भी सवाल का जवाब नहीं आता था, और ये बात गौतम को तुरंत समझ में आ गई कि प्रिंस सच में यहाँ पर नया है और इसे कुछ भी नहीं पता। जबकि प्रिंस ने जब अपनी उम्र बताई, तब गौतम ने प्रिंस के लिए और ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया, क्योंकि उसे लगा कि जो प्रिंस है वो वर्जिन है। अब गौतम को कम उम्र के वर्जिन लड़के आकर्षित करते थे शायद। अब हर रोज़ घर पर जब पापा नहीं होते, दादी सो जाया करती, प्रिंस गौतम से मैसेज पर चैट किया करता लैपटॉप में, और गौतम ने प्रिंस को अपनी एक फ़ोटो भेजी। अब वो रियल थी कि फेक नहीं पता, पर प्रिंस के लिए तो फोटो रियल ही थी, जो कि काफ़ी खूबसूरत और जवान लड़के की थी। और बदले में प्रिंस से उसकी फ़ोटो भी मांगी गौतम ने,
पर प्रिंस ने बताया कि फोटो नहीं है लैपटॉप में। तब गौतम ने कहा कि अब जब तक तुम फोटो नहीं भेजोगे, भरोसा नहीं दिखाओगे, तो मैं तुम पे क्यों भरोसा करूं? मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगा। मैंने अपनी भेज तो दी ना तुम्हें, तो तुम भी अपनी भेजो, वो जिद करने लगा। तब प्रिंस ने दो दिन तक टालने की कोशिश की, क्योंकि सच में उसके पास लैपटॉप में उसकी कोई ढंग की फोटो नहीं थी जो भेज पाता। पर गौतम बहुत जिद्दी था, गौतम ने भी कोई रिप्लाई नहीं दिया। तब प्रिंस परेशान हो गया, क्योंकि वो गौतम को पसंद तो करता था, क्योंकि दोस्ती हो गई थी ना। फोटोज का जो एक्सचेंज वगैरह हो रखा था, वो कहीं ना कहीं दिमाग में उसकी एक इमेज बना रखी थी। उसने गौतम को खुश करने के लिए मुश्किल से अपनी एक फोटो जुगाड़ कर उसे भेज दी। अब उससे भी गौतम का दिल नहीं भरा और उसने और फोटोज मांगी। मैसेज में अपने बॉडी के फोटोज भेजने लगा गौतम, जिसे देखकर प्रिंस को अच्छा लगता था। तब गौतम ने अचानक वीडियो कॉल करने की बात की और वो जिद पर अड़ गया। अब गौतम धीरे धीरे प्रिंस पर काफी हक जताता था। अब ये प्रिंस के लिए परेशानी शुरू हो चुकी थी। इसी के बाद प्रिंस के बिहेवियर में बदलाव भी आया था। गौतम की सिर्फ एक फोटो देखी थी और प्रिंस उसका दीवाना हो गया था। गौतम के साथ साथ प्रिंस और भी लोगों से चैटिंग करता था, पर इम्पोर्टेंस हमेशा गौतम को देता। अब गौतम के कहने पर ही प्रिंस ने घर पर मोबाइल के लिए जिद कर रखी थी कि मुझे किसी भी हाल में मेरा खुद का पर्सनल मोबाइल चाहिए। प्रिंस के पापा ने उसके ट्यूशन टीचर से बात की इस बारे में कि बहुत जिद्दी हो रखा है और मोबाइल की डिमांड कर रहा है। तब टीचर ने स्कूल कंप्लीट होने के बाद ही मोबाइल देने के लिए सजेस्ट किया, और तब तक जब उसके बोर्ड्स एग्जाम क्लियर नहीं हो जाते तब तक मोबाइल से दूर रहने के लिए कहा। और ये वही ट्यूशन टीचर थे जिनको प्रिंस बहुत ज़्यादा पसंद करता था। उन्होंने जब प्यार से समझाया तब प्रिंस बड़ी मुश्किल से माना। बाकी घर में प्रिंस को उसकी मम्मा ने समझा के देख लिया, दादी ने समझा के देख लिया, पापा ने भी समझा लिया, पर तब नहीं माना। लेकिन ट्यूशन टीचर के कहने पर एक बार में मान गया। अब इस इंसिडेंट के बाद से वो पूरे फैमिली वालों से गुस्सा था, नाराज था, पर दो छोटी सिस्टर्स के साथ खेलने के बाद प्रिंस सो गया, उसे थोड़ा अच्छा लगा। गौतम के बारे में ही सोचते सोचते वो उस रात सोया। प्रिंस ने गौतम से कह दिया कि वीडियो कॉल में हम एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे, शायद किस्मत में नहीं है। तब गौतम ने कहा कि यार लैपटॉप पर ही वीडियो कॉल कर लो ना। अब प्रिंस ने काफ़ी कोशिश की, वीजीए कैमरा था वीडियो कॉल की, पर कैमरा का जो सॉफ्टवेयर था वो इंस्टॉल नहीं था और उसे फिक्स करना अनफॉर्चुनेटली प्रिंस को आता भी नहीं था। और तब प्रिंस ने कहा कि यार कोई उपाय बताओ। तब गौतम ने कहा कि घर में किसी का फ़ोन होगा जिससे तुम एप्लीकेशन यूज़ कर पाओ, और फिर उसने गाइड किया। तब जा कर के प्रिंस ने दादी के मोबाइल से कहा कि मैं यूज़ करके देखता हूँ उनके मोबाइल में जब वो सो जाएंगी। तब उसने ऐप का यूज़ करके बाथरूम के अंदर जाकर प्रिंस ने गौतम को पहली बार वीडियो कॉल किया। गौतम ने सिर्फ अपने नीचे का हिस्सा दिखाया और चेहरा नहीं दिखाया। प्रिंस के तो उस वीडियो कॉल के बाद होश ही उड़ गए और उसका मूड भी बन गया। उसे सब कुछ अच्छा लग रहा था, वो सब देख करके उसे मज़ा आ रहा था। अब वो फ़ोन पर गौतम था वो बार बार प्रिंस से कैमरा ऊपर तो कभी नीचे एडजस्ट करने की बात करता, तो कभी पीछे दिखाओ, कभी आगे दिखाओ, कभी साइड से दिखाओ, कभी खुद से हाथों को अपने चेस्ट पर ले जाने कहता, कभी दबाने के लिए कहता, मसलों जैसे शब्द कहकर एक्साइट कर रहा था। और दोनों तरफ एक्साइटमेंट काफ़ी बढ़ चुकी थी। और जब गौतम का काम हो गया, मन शांत हो गया, तब उसने बिना कुछ कहे वीडियो कॉल कट कर दिया। उसके बाद प्रिंस ने बहुत ट्राई किया कॉल दोबारा करने की वीडियो कॉल पर। प्रिंस के बार बार कॉल करने के बाद भी गौतम ने वीडियो कॉल रिसीव नहीं किया। अब प्रिंस को समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, आखिर क्या हो गया, सब कुछ तो अच्छा जा रहा था। प्रिंस का मूड तो बना ही हुआ था, उसने गौतम को इमेजिन किया और खुद का तन और मन शांत कर लिया। तब जा करके वो बाथरूम से बाहर निकला, अपने हाथ को अच्छे से साफ किया और दादी के मोबाइल से वो एप्लीकेशन भी डिलीट कर दी ताकि किसी का मैसेज ना आए और कोई रीड ना कर ले अगर मैसेज आए तो।
तभी किसी एक ने प्रिंस को उसके फेक FB ID पर किसी गे डेटिंग एप्लीकेशन का नाम लेते हुए पूछा था कि क्या तुम इस एप्लीकेशन का यूज़ करते हो। प्रिंस को तो सिर्फ गौतम की बातें ज़रूरी लगती थी, पर अब गौतम का 2 दिनों से कोई रिप्लाई नहीं आया था, जिसकी वजह से प्रिंस परेशान था और उसने वो गे डेटिंग ऐप डाउनलोड कर लिया जो उसे किसी ने पूछा था। और ये पहली बार था कि प्रिंस को किसी गे डेटिंग एप्लीकेशन के बारे में पता चला था। अब उस ऐप में आसपास के ऐसे कई लोग थे जिन्हें प्रिंस पहले से जानता था। प्रिंस ने सोचा कि ट्यूशन वाले सर भी अगर गे हुए तो वो भी इस एप्लीकेशन का यूज़ तो करते ही होंगे। तब प्रिंस को कई सारे मैसेजेस आ रहे थे और कई सारे लोग वीडियो कॉल करे जा रहे थे। प्रिंस का मोबाइल बार बार रिंग कर रहा था तो मम्मी ने पूछा कि ये कॉल किसका है बार बार आ रहा, अरे तू रिसीव क्यों नहीं करता, देख तेरे मामा का तो नहीं। तब माँ को पास आता देख, हाँ मैं देखता हूँ कहते हुए थोड़ा साइड में चला जाता है प्रिंस और वो कॉल पिक करता है और वॉल्यूम जो होता है वीडियो कॉल का बिल्कुल डाउन कर देता है। और सामने उस वीडियो कॉल पर जो इंसान था उसे देख करके प्रिंस चौंक जाता है। वीडियो कॉल पर दूध वाले भैया थे जो हर रोज सुबह दूध पहुँचाने आते थे 10 किलोमीटर दूर से। प्रिंस ने उनका हाफ फेस देखा और जला हुआ हाथ और टैटू देख करके सब जान गया। प्रिंस को उस भैया ने कई बार घर घूमने आने का ऑफर दिया था और हर बार प्रिंस मना कर देता था। प्रिंस ने तो सोचा ही नहीं था कि वो गे होंगे क्योंकि वो काफ़ी हैंडसम थे। शाम हुई और दूध वाले भैया इस बार दूध लेकर के आए क्योंकि इस वक्त मम्मी की दवाइयाँ चल रही थीं तो सुबह शाम दूध आना था। प्रिंस उसे देख करके बस देखता रहा। अब दूध मिल जाने के बाद तक भी वो उन्हें घूरता रहा। पीछे से मम्मी ने कहा कि कहाँ खो गया तू, दूध ले लिया तो अंदर आ जा। और तभी मोबाइल से ऐप डिलीट की उसने और दादी को फोन लौटा दिया वापस से जैसा वो पहले किया था। दूध वाले भैया बहुत हॉट हैं और प्रिंस के मन में अब उनके लिए भी हलचल हुई। और ये हलचल नहीं थी बल्कि एक पागलपन थी जो शुरू हो चुका था। अब इस पागलपन का आखिर अंजाम क्या होगा, आखिर इस पागलपन में प्रिंस क्या करेगा, हम जानेंगे सब कुछ पर इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में। स्टोरी में आगे काफ़ी कुछ छिपा हुआ है, काफ़ी कुछ रह गया है, काफ़ी अच्छा मैसेज है इस पूरी स्टोरी में। तो स्टोरी को अपने गे फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपना प्यार दें कमेंट के थ्रू। आज के लिए दोस्तों तो बस इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। हैव अ गुड डे। लव इज़ लव।